यूपी में जो बीजेपी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश, किसानों का कर्ज माफ, वो सारी चीजों पर जो है उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसी तरह ही उन चीजों पर काम चल रहा है। गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात कहें तो मैं इस चीज का खुद मैंने ये चीज देखी है कि प्रदेश में जगह जगह जो भी गड्ढे थे, ज्यादातर गड्ढे भरे जा चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं उन पर काम चल रहा है, किसानों का कर्ज माफी। उसके अलावा जो उनका मैनिफेस्टो था, उसके अलावा भी योगी सरकार बहुत तगड़े एक्शन में है काम करने के। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो हैं, वो उनको देखते हैं हम अक्सर कि वो जनता दरबार जो है लगभग लगभग वो रोज जनता दरबार लगाते हैं, और जो उस जनता दरबार में जाते हैं उन लोगों से हमने बात की और पता लगाया कि सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं, और योगी जी हर एक फरियादी की फरियाद सुनते हैं जो वहां पर पहुंचता है। फरियाद सुनी जा रही है तभी तो लोग लगातार पहुंच रहे हैं, और फरियाद सुनने वाला वहां मौजूद बैठा है। अमूमन तौर पे क्या होता है कि कुछ मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, हफ्ते में एक बार लगा लिया, 15 दिन में, 1 महीने में। योगी जी एक आध दिन की अगर बात कहें तो मुझे तो लगता है कि प्रत्येक दिन वहाँ जनता दरबार लग रहा है लखनऊ में, और योगी जी के मंत्री मिनिस्टर्स भी जनता दरबार को लगा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे शासन दुरुस्त हो गया है, इसी का एक नज़ीर एक चंदौसी में भी पेश की गई कि योगी जी के आदेश हुए कि अतिक्रमण मुक्त प्रदेश, गांव ये जो मार्केट्स में जो जो गैर ज़रूरी लोगों ने आगे की तरफ छप्पड़ डाल रखे होते हैं, किसी ने कड़ाई रख रखी होती है, जाम की समस्या होती है इससे। तो आज डिस्ट्रिक्ट संभल के, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट संभल के चंदौसी में कोतवाली पुलिस और सीओ ने एक शहर का स्थान चिन्हित करके फुवारा चौक वहां से अतिक्रमण हटाया और वाहनों की भी साथ ही साथ सघन चेकिंग की, और वहां से अतिक्रमण हटने से वो फुवारा चौक शहर का एक ऐसा पॉइंट है जहां से बहुत सारा ट्रैफिक दाएं बाएं से गुजरता है और लोगों को अतिक्रमण होने से बहुत परेशानी होती है। तो योगी सरकार जो है बैठते ही अपने हर काम में वो दुरुस्त नजर आ रही है अभी तक तो, और उम्मीद करते हैं कि आगे तक भी दुरुस्त रहेगी। मोइन अली, नॉलेज प्लस टीवी, डिस्ट्रिक्ट संभल।